हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है कार्तिका की मम्मी का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं आश्रम थोड़ा सा सामान देने, राशन पानी का। यहाँ पे बगल में कोड़ी आश्रम है, वहाँ पे जाएंगे हम। और उसके बाद जैसे जैसे पूरे दिन होता रहेगा वैसे हम आपको बताते रहेंगे। और ये कार्तिका थोड़ी सी सैड है आज, बट सैड नहीं होते, पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें इसके साथ जीना है और हमें जीना आना चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग, लेट्स मेक हर प्राउड। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं घर से सामान देने के लिए। टू व्हीलर में निकले क्योंकि पास में ही है आश्रम, तो इसी में जा रहे हैं। और मौसम अच्छा हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है, इस बार गर्मी पड़ेगी बहुत भयंकर। मैं आपको सबको पहले ही बता दूँ, स्विमिंग पूल अपना लेके रखे घर पे। आज गया है सामान लेने, तब हम आए हैं फ्रूट्स लेने। ये तो ये रास्ता जाता है आश्रम की तरफ, तो पहुंच गए हम आश्रम में। खोलो गेट। मैं खोलूं? हाँ हाँ। ये देखिए अंदर से कितना जंगल जंगल है यहाँ। पता है यहाँ पे हैंड वीविंग काम करते हैं लोग? पता है, लिखा बाबा। A few moments later. तो हम आश्रम से होकर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। और ये आश्रम बहुत सुंदर है बना हुआ। यहाँ पे अपने अपने सबके अपने अपने घर है ना, यहाँ पे छोटे छोटे गवर्नमेंट ने अपने अपने घर दिए हुए हैं छोटे छोटे। और यहाँ वेविंग का भी काम होता है, सारा काम होता है। और देखिए पीछे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे सारी तरफ। ये बहुत अच्छा आश्रम है, हम हमेशा आते हैं। ये आश्रम उनका है जो थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, हमेशा आता है आयुष की मम्मी के बर्थडे पे या उनकी जो वो होती है डेथ एनिवर्सरी होती है जो, तो उसमें भी हम यहीं आते हैं। और मेरी मम्मी के टाइम पे भी हम यहीं आते हैं हमेशा। तो अब गेट बंद करना पड़ेगा, देखो दिखाओ। अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब मुझे एक काम और करना है जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद था, वो काम था। मेरी मम्मी छोटे बच्चों को चॉकलेट देती थी अपने बर्थडे पे, और केक काटना पसंद नहीं करती थी, चॉकलेट देना पसंद करती थी। तो चॉकलेट लूँगी और मैं छोटे बच्चों को दूँगी। तो अभी देखती हूँ कहाँ मिलेगी, और छोटे छोटे बच्चे जो भी मिलेंगे ना उनको चॉकलेट दूँगी मैं। ये देखिए ई रिक्शा कहाँ घुस गया, बच्चों को तो नहीं लगी। तो भाई उतना लोड रखो ना गाड़ी में जितना और लोड गाड़ी सह सके। हो गया था एक एक्सीडेंट और बच्चे ठीक हैं, लेकिन बचा लिया ड्राइवर ने। उसके ब्रेक फेल हो गए थे और गाड़ी मतलब बच्चों को लगी नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की लगी है। तो पुलिस वाले आ गए थे अभी वहाँ पे, मतलब अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन, इसलिए हम भी आ गए। तो बता दिया था आयुष ने कि ड्राइवर को मतलब डांटे ना, क्योंकि ड्राइवर ने एक तरह से बचाई है उसकी गाड़ी के, एकदम से ब्रेक फेल हो गए। तो उसने बहुत कोशिश करी बचाने की, तो उसने झाड़ियों में लगा दी गाड़ी, इसलिए जिससे ज़्यादा चोट ना आए। और एक कार ऑलरेडी खड़ी थी वहाँ पे। हम आए हैं यहाँ पे अपना सामान लेने स्टोर का। अभी आयुष अंदर है और मैं बाहर धूप में खड़ी हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। और मैं चॉकलेट्स ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही, जो मम्मी की फेवरेट है ना वाली ढूँढ रही हूँ, उसका पूरा बॉक्स ही नहीं मिल रहा कहीं। देखते हैं आगे, पूछूँगी अभी कहीं मिलती है चॉकलेट तो एक बताती हूँ, बाकी नहीं तो फिर दूसरी चॉकलेट दूंगी। बहुत तेज धूप हो रही, गर्मी लग रही है मुझे इन कपड़ों में। तो दोस्तों मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे आना पड़ा अंदर आयुष के पास। आज हमने लिया है यहाँ से अचार, ये मेरा फेवरेट अचार है, मशरूम का अचार। हम भी रखते थे पहले, फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि हम राशन का सामान कम ही रखते हैं, इसलिए यहाँ से लिया है मैंने। ये बहुत टेस्टी होता है,
सामान ले लिया। चलो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, चॉकलेट लेती हूँ। तो दोस्तों हमें चॉकलेट मिल गई है, मंच मम्मी की फेवरेट थी और मम्मी सबको मंच देती थी गिफ्ट में, मतलब चॉकलेट मम्मी अपने बर्थडे पे सबको चॉकलेट देती थी तो मंच देती थी। तो चलिए ये मैं सबको बांटती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। मिलेंगे अभी कहीं, हम आए हैं मामा जी की शॉप पे चाय पीने, जो कि बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्टोर पे और मैंने चॉकलेट दे दी, थोड़ी बहुत रहेगी वो भी दे दूँगी बच्चों को जो मिलेंगे भी मुझे आसपास। और अभी मैं जा रही हूँ घर थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह से मैं घूम घूम के थक गई। तो अभी चलते हैं घर और पियेंगे चाय। आयुष शायद चलेगा, शायद पक्का नहीं है अभी, तो अगर वो भी चलेगा तो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ। और दोस्तों हम आ चुके हैं नानी के घर और आज मामा जी करा रहे हैं कैरियो का काम। एक क्यारी थोड़ी टेढ़ी थी, मैंने कहा इसको सीधी कर ली जाए। ठीक है, और रमेश बाबू को बोला, हमारे जो माली हैं बैठे हैं दोनों गप्पे मारने में। मैं आ चुकी थी घर, आयुष भी आ चुका था मेरे साथ घर पे और हमने चाय भी पी ली। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि आज आंटी आ नहीं रही है और आयुष का एक फ्रेंड आया हुआ है तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं हैप्पी के शॉप पे ही, वहीं पे ही आएगा वो भी और उसकी वाइफ, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो आयुष भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी रहता हूँ, हर व्लॉग में ऐसे होता हूँ मैं, ऊपर पट्टा और काली जैकेट। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अभी पहन लिया है पिंक कलर का ये लोअर, रेड कलर का लोअर और पिंक कलर का स्वेटशर्ट। तो ये मेरा है रात का ओटीटी, ओटीटी रात का। शीरो पीछे है, स्मोकी वो रही पीछे। तो चलिए चलते हैं हैप्पी की शॉप पे और भूख लग रही है, आज थर्सडे में कुछ खा नहीं पाऊंगी नॉन वेज, तो वेज ही खाएंगे। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। 2 hours later दोस्तों हम आ गए हैं घर और डिनर विनर हमने कर लिया था वहीं पे ही और अब हम सोने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस स्टैंडर्ड।